चैनल और आज की वीडियो में मैंने मेकअप किया है करवा चौथ मेकअप, जो कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा और मेकअप देख के भी पता चल गया होगा ओ माय गॉड इट्स टू हैवी। सो अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही हो कि आप कैसा मेकअप करेंगे अपना करवा चौथ में, ये वो, तो वो पूरा तकलीफ मैंने आपकी यहाँ पे सॉल्व कर दी है ये लुक क्रिएट करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको पसंद आया डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को, छोटी सी फैमिली में शामिल हो जाएंगे, और कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अगर आपको अच्छा लग जाए। तो चलिए बिना देर किए और बिना इतनी बातें करे हुए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं मेरे लिप्स को यहाँ पे मॉइस्चराइज करूंगी, और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँ न्यूट्रीजेना का लिप बाम। अब इतनी स्किन को प्रेप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँ प्राइमर, एंड दिस इज बाय लोटस। ये बहुत बढ़िया सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, सो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, आपके पोर्स को अच्छे से फिल कर देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फाउंडेशन स्टिक। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बेस्ड फाउंडेशन है, और इसे अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बाय द वे मैं अपना शेड बताना भूल गई, इट्स F8। आपको लाइट लग रहा होगा ये शेड, लेकिन ब्लेंड होने के बाद ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और मैं एक स्पंज के हेल्प से अपने पूरे फेस पर ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन ब्लेंडिंग में बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYX HD फोटोजेनिक कंसीलर, एंड माय शेड इज CW06। दिस इज़ अमेजिंग कंसीलर, ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है, इसे मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूँगी फॉर हाइलाइटिंग एंड फॉर हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स, और अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे भी अप्लाई कर लूँगी, और अपने आईलिड पे भी इसी कंसीलर को अप्लाई करूंगी सो दैट अपना आई शेडो अच्छे से दिखे, और एक स्पंज के हेल्प से मैं इस कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी, और ये ब्लेंड होने में भी बहुत बहुत इजी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आई एम इन लव विथ दिस कंसीलर। अब मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ रिमेल का स्टे मैट कॉम्पैक्ट, और ये बहुत ही अच्छा मैट कॉम्पैक्ट है, तो अगर आपके ऑयली स्किन है आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट के आई शेडोज, एंड इसमें बहुत ही अच्छे फेस्टिव कलर्स हैं। यहाँ पे मैं पीच कलर लेकर इसे अच्छे से एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर लूँगी क्रीज लाइन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर लेकर अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। ध्यान रखिए इसे जस्ट कलर को प्लेस करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे ये लाइट ब्राउन शेड लेकर इसे अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी, और यहाँ पे लूँगी ये रोज़ गोल्ड ग्लिटर, प्रेस्ड ग्लिटर है ये, और इसे लेकर अपने आईलिड पे प्लेस कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेसेस का मैग्नेटिक आईज़ का आईलाइनर, ये अमेजिंग आईलाइनर है, बहुत ही पतला सा लाइनर ड्रॉ करूँगी इससे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट ब्राउ पोमेड, और ये बहुत अच्छा ब्राउ प्रोडक्ट है, आई एम इन लव विद दिस ब्राउ प्रोडक्ट, और इसे अच्छे से अपने आईब्राउज फिलअप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ नायका आई एम ब्लैक काजल 24x7 पेंसिल, और इससे काजल अप्लाई करूँगी और टाइट लाइन भी कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ये ब्राउन शेड आई शेडो से लेकर हल्का सा अपने काजल को स्मच करूँगी, और यहाँ पे कर लूँगी अपने लैशेस को कर्ल, और यहाँ पे लॉरियल की तरफ से लैश पैराडाइज मस्कारा अप्लाई करूँगी, एंड अगेन दिस मस्कारा इज़ अमेजिंग, बहुत प्यारा मस्कारा लगा मुझे, काफ़ी लेंदन करता है लैशेस को। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन वी फेस ब्लश कंटूर पैलेट, और यहाँ से ये कंटूर शेड लेकर हल्का सा कंटूरिंग कर लूँगी यूजुअल प्लेसेस पे, और इसी से अपने नोज़ को भी कंटूर करूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लश डियोज, और यहाँ पे ये पिंक शेड लेकर ब्लश अप्लाई करूँगी।
अब हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की तरफ से मास्टर क्रोम हाईलाइटर, एंड दिस इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल मॉल्टन गोल्डन हाईलाइटर फॉर ऑल स्किन टोन्स. यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट गर्ल्स, ये इंडियन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट हाईलाइटर है. और अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर, एक रेड कलर के लिप लाइनर से लिप्स को लाइन कर लूँगी. आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की का बैडेस रेंज की तरफ से लिपस्टिक, एंड दिस इज़ इन द शेड रेड. मैं आपको शेड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और यहाँ पे मैं ये डीप रेड शेड अप्लाई करूँगी, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक. बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस अल्टाइम प्रो की तरफ से मेकअप फिक्सर, और इससे लूँगी एक क्विक शार और स्पंज से इसे अच्छे से सकेट कर लूँगी मेकअप. इसको मैंने प्रॉपर ज्वेलरी और एक लहंगे स्टाइल में साड़ी को कैरी किया है. मतलब इट्स अ साड़ी बट आई ड्रेप्ड इट एज अ लहंगा. और दिस इज परफेक्ट 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 फॉर करवा चौथ, एंड एक छोटी सी नथ भी कैरी करी विच इज लुकिंग प्रीटी नाइस. सो एक्चुअली आज के मेकअप को मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया था बिकॉज मुझे चाहिए था एसी में अच्छे से मेकअप करना, सो दैट मेरा कुछ भी मेल्ट नहीं हो और बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आज वॉइस ओवर किया. आई होप आपको पसंद आ रहेगा वीडियो. और अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स वगैरह जानने हो तो वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मेंशन रहेंगे, आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. और मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलेगा कि आपको मेकअप कैसा अच्छा लगा, मतलब कैसा लगा. आई नो अच्छा ही लगा रहेगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी कॉमेंट करके बता ही देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, हैप्पी करवा चौथ.